प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जिले में उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर मिर्जापुर पुलिस प्रशासन के द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनीतिक प्रतिष्ठा घराने को मानसिक सामाजिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और उचित कार्यवाही करने की मांग की। देश के पूर्व रेल मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के ऊपर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जिस तरह से वर्तमान सरकार लांछन लगा करके रात के अंधेरे में जमीन घोटाले संबंधी FIR कराई है, उसके खिलाफ आज सब बनारस के हमारे कांग्रेसजन, हमारे सभी फ्रंटल के लोग, महिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस, विधि प्रकोष्ठ और हमारे पार्षद साथी, आज सब लोगों ने राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया है कि तत्काल इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाया जाए, FIR को निरस्त किया जाए और सरकार उस परिवार से माफ़ी मांगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश और इस प्रदेश और इस बनारस को बनाने में दे दिया, पूर्वांचल को बनाने में दे दिया। ऐसे लोगों के साथ इस तरह का कृत्य न करें। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि एक सम्मानित परिवार को बदनाम किया जा रहा है। कमलापति त्रिपाठी के परिवार ने पूर्वांचल ही नहीं बल्कि प्रदेश के विकास को एक नया आयाम दिया था। पंडित कमलापति का पूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा है। उन्हीं की परंपरा का निर्वहन करते हुए राजेश पति त्रिपाठी और ललितेश पति त्रिपाठी भी लगातार जनता की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे में सरकार भावना से कार्रवाई की जाए, जो गलत है थाने में दर्ज प्राथमिकी निरस्त नहीं करती है तो बनारस समेत पूर्वांचल के कांग्रेस जन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसको लेकर महामहिम राज्यपाल से इस पत्र के माध्यम से मामले को संज्ञान में लेने की और तत्काल सारे मुकदमों को निरस्त करने की मांग को लेकर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने राज्यपाल महोदय के नाम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर राघवेंद्र चौबे समेत राजकुमार सिंह मौजूद रहे।